तो क्या तुम वही हो जिसे माइनक्राफ्ट में पीवीपी पसंद है, बट उसे पीवीपी का पी भी नहीं आता, एंड वो सोचता है कि उसकी पीवीपी भी कुछ ऐसी हो जाए? तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताऊंगा कि तुम लोग अपनी पीवीपी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, एंड इस वीडियो में मैं बहुत सारे टिप्स दूंगा जिससे तुम्हारी 100% पीवीपी इंप्रूव होगी। सो बस वीडियो को पूरा देखते रहो एंड चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एमिंग। सबसे पहले तुम्हें किसी भी माइनक्राफ्ट के पीवीपी सर्वर में आ जाना है, एंड अगर तुम्हें कोई अच्छा सर्वर नहीं मिल रहा तो वर्टेक्स में आ जाओ, मेरे ही सर्वर है। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट में बता देना, आईपी तुमको स्क्रीन पर दिख रही होगी। एम इंप्रूव करने के लिए तुम्हें सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है एंड अपने एफओवी को 80 से 90 के बीच में रख लेना है। मैं 86 प्रीफर करता हूँ। देन तुम्हें जाना है कंट्रोल्स में, माउस सेटिंग्स में, देन तुम्हें सेंसिटिविटी को अभी रख लेना है 100। देन तुम्हें किसी को ड्यूल कर लेना है, एंड एक तुम्हें टिप बताता हूँ जिससे तुम्हारा एम बहुत अच्छे से लगेगा। तुम्हें अपना हिटबॉक्स ऑन कर लेना है, कीवाइंड F3+B है। अब तुम्हें फाइट के टाइम अपनी सेंसिटिविटी ठीक करनी है। अगर तुम्हारा एम बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है एंड बंदे के आइट साइड से निकल जा रहा है, इसका मतलब तुम्हारी सेंसिटिविटी हाई है, तो तुम्हें इसे कम करने की ज़रूरत है। तो इस टाइम तुम्हें 10 या 5 से उसे कम कर देना है। एंड या फिर अगर तुम्हारा एम ना लग रहा हो अलग टाइप से, जैसे अगर तुम बंदे को मार रहे हो एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा एम शेक करना पड़ रहा है, तो फिर तुम्हारी सेंसिटिविटी कम है, तो इसे तुम्हें थोड़ा सा बढ़ा देना है 5 या 10 से। तो मैं अभी 5 से बढ़ा देता हूँ। एंड जब तुम्हारा गेम प्ले कुछ ऐसा हो जाए, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी सेंसिटिविटी एकदम परफेक्ट है, तो तुम्हें उसे ही स्टिक करके रखना है एंड उसे बिल्कुल भी चेंज मत करना। अरीना, हेलो अरीना, कैसा है? ये कौन बोला? अरे प्यू भी तुम लड़की की आवाज़ में कैसे बोल रहे हो? तुमने वॉइस चेंजर लगाया है क्या? अरे नहीं, मैं लड़की हूँ ब्रो, व्हाट द। ओके, सो ऑफकोर्स इट वॉज अ जोक। एंड अभी तुम सोच रहे हो कि मैंने ये किया कैसे। सो मैंने यूज किया है हिटपॉक का वॉइस चेंजर। इससे तुम रियल टाइम में अपना वॉइस चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। ओके, सो अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मैंने वॉइस चेंज किया कैसे। ओके, सो उसके लिए पहले तुम्हें इनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, सो उसके बाद तुम्हें इनके सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाना है। एंड इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है, इधर बहुत सारे वॉइस चेंज करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये वाला वॉइस ले लेता हूँ। एंड जैसे मैं ये वाला स्विच ऑन करूंगा, मेरी वॉइस चेंज हो गई होगी। लाइक तुम्हें सुनाई दे रहा होगा कि ये कितना क्रेजी है। एंड इनके सॉफ्टवेयर के अंदर तुम्हें AI वॉइसेस भी मिल जाएंगे, जैसे नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क, ऐसे बहुत सारे AI वॉइसेस है। वॉइस चेंजर के साथ इनके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो तुम्हें इनकी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे, एंड वेबसाइट की लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो चेक करना मत भूलना। तो अब मैं तुम्हें एक खतरनाक सा पीवीपी मैप दूंगा जिससे तुम्हारी 100% स्ट्रेफिंग एंड पीक रेट इंप्रूव होगी, बट उसके लिए तुम्हें 1.20.1 वाले मॉड्स चाहिए। तो अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मेरी पिछली वीडियो देख लो, उसमें मैंने वही दिए थे। मैप डाउनलोड करने के लिए तुम्हें आ जाना है मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इधर से तुम शो ऑल चैनल्स ऑन कर लेना। देन उसके बाद तुम्हें थोड़ा चले जाना नीचे, एंड चैनल्स में तुम्हें एक चैनल मिलेगा AI हब का। तुम्हें इसमें जाना है, लिख देना है मैप। एंड मैप लिखने के बाद एक तुम्हें बॉट सजेस्ट कर देगा एक चैनल की लिंक। तुम्हें इस चैनल के अंदर चले जाना है, एंड क्लिक हियर पे दबाओगे तुम्हें लिंक मिल जाएगी, इधर से डाउनलोड कर लो। बाद ZArchiver ओपन कर लेना, एंड ZArchiver में डाउनलोड्स में जाना। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना, तुम्हें PvP प्रैक्टिस मैप मिलेगा, इसको कॉपी कर लेना। देन जाना डिवाइस मेमोरी में, एंड देन एंड्रॉयड में, देन उसके बाद डाटा में। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके पुजाओ लॉन्चर का फोल्डर ढूंढना, देख लो ये रहा। एंड इसके अंदर जाके तुम्हें जाना फाइल्स में, एंड फिर उसके बाद तुम्हें बहुत सारे कस्टम पाथ दिखेंगे। अब तुम्हारा जो भी उसमें कर लेना। लोगों का मोस्टली डॉट माइनक्राफ्ट होता है, मेरा 1.20.1 है। एंड इसके अंदर जाने के बाद तुम्हें इसको इधर ही पेस्ट कर देना है अभी तो। देन उसके बाद तुम्हें इसके अंदर जाना है ये PvP प्रैक्टिस मैप में, एंड इसके अंदर एक और बार जाना है। फिर उसके बाद ये जो तुम्हें फैब्रिक कारपेट दिख रहा है, इसे कॉपी कर लेना है। एंड उसके बाद तुम्हें इसे मॉड्स में जाके पेस्ट कर देना है जिस वर्जन में तुम खेल रहे हो। एंड ये 1.20.1 वाले, तो अगर कोई और यूज़ करोगे शायद वर्क ना करें। देन ये मॉड पेस्ट करने के बाद तुम्हें वापस जाना है बैक, एंड इसके बाद वही PvP प्रैक्टिस मैप वाले में जाना है। देन उसके बाद ये जो मैप की लिंक तुम्हें दिख रही है ये लाइक वर्ल्ड की, इसे तुम्हें कॉपी कर लेना है। एंड देन तुम्हें जाना है थोड़ा नीचे, एंड नीचे तुम्हें ढूंढना है सेव का फोल्डर, ये देख सकते हो सेव्स करके, इसके अंदर जाना है एंड इसको पेस्ट कर देना है। इसे पेस्ट होने में बहुत टाइम लगने वाला है, तो थोड़ा वेट कर लेना एंड तुम्हारा मैप लग जाएगा।
देन तुम्हें अपने गेम को ओपन कर लेना है एंड जाना सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में। एंड ये देख सकते हो ये मैप तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें इसे डायरेक्टली ओपन कर लेना है। एंड अगर कुछ ऐसा लिखा है तो क्रिएट बैकअप करके क्रिएट कर लेना। देख सकते हो कुछ इस टाइप का मैप है। एंड ये जिसने बनाया है उसके चैनल की लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो चैनल चेक कर लेना। एंड देख सकते हो कुछ इस टाइप का मैप है, ये बॉट है। एंड इसके बाद ये कुछ लेवल्स है इसकी डिफ़िकल्टी की। एंड इजी एंड मीडियम के ऊपर जाने का ट्राई मत करना, बहुत गंदा पिटोगे। एंड देख सकते हो ये कुछ और फीचर्स है इसके, जैसे तुम्हें स्ट्रेफ करना है, क्रिट करना है या क्या करना है। एंड देख लो ये बॉट है, इधर से तुम इसको रिस्टार्ट भी कर सकते हो। एंड इसके बाद ये सारी ये किट्स हैं, इधर तुम्हें क्रिस्टल, नेथ पॉट, डायमंड पॉट एंड कार्ड पीपी की किट मिल जाएगी। एंड इधर से तुम और भी किट्स ले सकते हो अगर तुम्हें चाहिए तो। एंड इधर से तुम बॉट की किट सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी चाहिए तुम्हें। इधर से तुम क्रिस्टल कर सकते हो, तो इससे अपने आप वो टोटम पॉप होते रहेगा एंड एक्सेट्रा। एंड इसके ऊपर तुम्हें मिल जाएगा इसका गेयर कि तुम्हें इससे नेथ पॉट खेलना है, डायमंड पॉट खेलना है या फिर टैंक खेलना है। इधर से तुम सब सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब मैं तुम्हें इसे एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। देख लो कुछ इस टाइप का मैप है एंड ये रहा बॉट। एंड इससे तुम्हें मेनली तीन चार ही चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, एक तो हो गई पीक्रिट की एंड एक हो गई स्ट्रेफिंग की। तो अभी मैं तुम्हें थोड़ी स्ट्रेफिंग की करके बता देता हूँ, तुम भी कुछ इस टाइप से फॉलो कर लेना एंड इससे तुम्हारी स्ट्रेफिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। एंड अगर तुमसे स्ट्रेफिंग अच्छे से नहीं होती तो मैंने पहले ही बता दिया है कि तुम जॉयस्टिक यूज़ करो, उससे स्ट्रेफिंग अच्छी होती है। एंड तुम्हें इसे नेदराइट का आर्मर पहना देना है एंड क्रिट चेन इसकी ऑन कर देनी है। एंड तुम्हें कुछ इस टाइप से इसके साथ प्रैक्टिस करनी है। आई नो स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड होगा क्योंकि ये बहुत मूवमेंट करता है, बट जैसे जैसे तुम इसके साथ खेलते जाओगे तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। एंड अगर तुम इससे बार बार क्रिट मारना सीख गए अच्छे से तो तुम्हारी बहुत इंप्रूव कर देगा। एंड इस टाइप से तुम्हें कुछ इसके साथ पी क्रिट की भी प्रैक्टिस कर लेनी है क्योंकि पी क्रिट भी बहुत मैटर करती है पीवीपी में, ये तुम्हें बहुत क्रूशियल सिचुएशन में बचा लेगी। देख लो कुछ इस टाइप से इसके साथ प्रैक्टिस कर लेना। एंड जिसे लगता है वो बॉट इतना यूज़फुल नहीं है तो देख सकते हो मैंने उसी में इतनी प्रैक्टिस कर करके अपनी इतनी पी क्रिट सुधार ली। सो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ तुम्हें बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है जिससे तुम अपनी पीवीपी को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हो। एंड एक्चुअली मैंने 2 मंथ पहले ही पीवीपी को क्विट कर दिया था, बट अगर इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट आया तो मैं पीवीपी पे वापस कमबैक करूंगा एंड तुम लोग को इस वीडियो का पार्ट 2 बना के दूंगा जिसमें मैं तुम्हें एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। एंड उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अगर हमारे जल्दी से जल्दी 8K सब्स हो जाते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। अब बहुत से लोग कमेंट में बोलेंगे कि हमारी पीवीपी तो अच्छी है बट हमारे FPS ही नहीं आते, तो उन लोगों के लिए ही मैंने पिछली वीडियो बनाई थी हाउ टू फिक्स लैग वाली, तो तुम लोग उसको जाके देख सकते हो, हो सकता है उससे तुम्हारे FPS बढ़ जाए। वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पर आ रही होगी, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।